उदाहरण चार, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की माप 24 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ पे हमारे पास रेखाखंड OR का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से जीवा जो है हमारे पास, जीवा की लंबाई हमारे पास दी हुई है, जीवा PQ की जो लंबाई है हमारे पास दी हुई है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, हम PR का मान ज्ञात करेंगे, तो PR जो है वो आधा है, PR का जो मान है वो आधा है PQ रेखाखंड से, PQ जीवा से। तो यहाँ पे हम PR बराबर 1/2 PQ सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जीवा PQ की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है, तो 1/2 गुणित 24 सेंटीमीटर, तो हमें प्राप्त होगा PR का मान 12 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज OPR में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में विकर्ण का वर्ग, तो यहाँ विकर्ण जो है वो OP का वर्ग बराबर PR जो है वो हमारा आधार है, तो आधार का वर्ग PR का वर्ग धन OR जो है हमारे पास लंब है, तो लंब का वर्ग OR का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग से हमने OP का वर्ग बराबर PR का वर्ग धन OR का वर्ग लिए, बराबर PR का मान हमारे पास 12 है, तो 12 की घात 2 और धन OR का जो मान है वो 5 की घात 2, तो 12 की घात 2 मतलब 12 × 12 जो कि होता है 144, धन 5 की घात 2 5 × 5 25, और 144 और 25 का योग 169 होगा। इस तरह से OP का मान बराबर वर्गमूल 169 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 13 × 13 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने OP का मान 13 सेंटीमीटर ज्ञात किया। अतः वृत्त का जो व्यास है यहाँ पे, जिसे हमें ज्ञात करना था, अब हम वृत्त का व्यास जो लेंगे वो है 2 × OP, क्योंकि 2 × OP, और क्योंकि OP का मान हमने 13 सेंटीमीटर ज्ञात किया, 13 × 26 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है। यह इस उदाहरण का हल होगा। तो हमने वृत्त का व्यास ज्ञात किया 26 सेंटीमीटर, यह इस उदाहरण का हल होगा।